ग्वालियर के चिड़ियाघर चौराहे पर उस दौरान हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला, जब दो युवतियों ने मिलकर एक युवक की जमकर पिटाई की। युवतियों का आरोप है कि युवक फोन लगाकर उन्हें ब्लैकमेल कर धमकी दे रहा था, जिसके चलते उन्होंने उसकी बीच सड़क पर जमकर पिटाई की। सड़क काफी समय तक युवक युवतियों के बीच ड्रामा चलता रहा, जिसका मौके पर मौजूद लोगों ने वीडियो बना लिया। मेरा मोबाइल छुड़ा लिया, छुड़ा लिया तुमने, क्यों छुड़ा लिया मोबाइल? बंदी ने पूछो क्यों बात की थी मेरे से? आप क्यों बीच में आ रही हो? अच्छे बताऊंगा, मेरे से पैसे मांगे थे, पैसे मांगे, पैसे मांगे, झूठ भाई, झूठ है मेरे पास, है ना? मेरे पास है, मेरे पास है, मेरे भैया इन लोगों ने बुलाया पहले, और मेरे साथ जो बंदी आई अभी सीसीटीवी कुछ नहीं बुलाया, मैं लड़की के पीछे खड़ी थी, मैं साथ में बैठ के आया गाड़ी में, इस बंदी ने बोला कि आप चलिए मेरे को चलिए घर घुमाइए, चलिए घर घुमाइए। अरे रिकॉर्डिंग मेरे पास भी है, और सुन रिकॉर्डिंग, धमकी दे रहा था मानने की, रिकॉर्डिंग तो अभी निकाल, ये पहले छोड़ो, बहुत दिन हो गए, बहुत दिन हो गए, मेरे आदमी भी बात आई है, बोले के दो घंटे, अरे सुनो पहले, मैं क्या परेशान कर रहा था क्या तुम्हें? मैं क्या कह रहा हूं, ब्लैकमेल कर रहा था, मैं इससे बात करती थी, इधर रहते कहां तुम? ये बात करती नहीं, ब्लैकमेल कर रहा लड़के को, ये भी भिंड से ही है। अच्छा सब लोग भिंड से ही है? हां भिंड से नहीं है, आप और कहीं के? ये मेरी रूममेट है, मेरी जे क्या है, मेरे साथ है, और इसने बोला कि आप भी चलो मेरे साथ चलो, मैं फ्रेंडली है। क्या रिलेशन में हो गया तुम? रिलेशन में नहीं है, कुछ नहीं है, पहले थे 5-6 साल से, अभी भी रिलेशन में नहीं है, आके सारा रिलेशन तोड़वा दिया, वो इन्होंने फाइट कर रहे हैं, मैं इससे बात करती थी 6 साल पहले, आज लेकिन ब्रेकअप कर लिया 2-3 महीने पहले, लेकिन ये मुझे फोटो की धमकी देता है कि मम्मी पापा को मरवा डालेंगे तुम्हारे, आप इसके साथ हम मिलने रहते हैं, और मेरे बारे में धमकी दे रहा है कि मैंने अपने भाभी को मरवाया। चलो भैया मेरी कॉल छोड़ो, चलो भैया कॉल छोड़, चलो चामी करो बगैर छोड़ो, रिपोर्ट लगवाओ, लेकिन पुलिस वालों ने कुछ नहीं किया, इसने फोन लगवाया पुलिस वालों को।